गुड मॉर्निंग तो गाइस, अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और अभी मैं करूँगी नाश्ता, उसके बाद मैं फ्रेश हो जाऊँगी, फिर मैं नहाऊँगी, तो मैं आपको नाश्ता करने के बाद मिलती हूँ। कर लिया है और मैं फ्रेश होकर भी आ चुकी हूँ और अभी मैं नहाऊँगी तो मैं अंदर जाऊँगी भी कपड़े लेने, फिर नहाऊँगी कपड़े लेने के बाद, तो अभी मैं आपको नहाने के बाद भी मिलती हूँ। मुझे आ चुकी हूँ और अभी मुझे आते हैं, मुझे एक दुख की बात पता चल रही है। हनुमान जो गाय है जो मैंने आपको कल दिखाई थी, हमारे घर पर नया मेहमान आया था, वो अभी जा रही है, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। और जा रही है ये गाय, तो गाइस आप इतनी देर बाद में आखिर में गाय छूट चुकी है इसके अंदर। गाय तो हमारा बच्चा भी गया छोटा सा, चलो कोई नहीं, मुझे ज़्यादा दुख नहीं इसका, मारती थी आँखा दुख। मेरी गाय चली गई है, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है आज, ऐसा रोने का मन में कर रहा है क्योंकि अच्छी थी वो, इस वजह से। तो मामू जी लेके चले गए हैं उस गाय को, कर रही हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मुझे इंग्लिश में क्या अमृत मिला है। यहाँ पर मैंने आज ये कॉपी में मिलेंगी बताई है 32 तक, मैं मुझे इन कॉपी इस कॉपी में उतारने, आज इंग्लिश में उन्हें बहुत ज़्यादा होमवर्क दे दिया। साहब मौसी जी ने यहाँ पर चून पिसाया है, तो मौसी जी चून को ड्रम में घाल रही है सही जगह पर, मौसी जी ने सारा चून इस डमूले में घाल लिया है, बस ये इतना सा बचा है। पीपे में बेसन, जो भी एकदम सही बेसन है ये भी, ये देखो गर्म है एकदम। पर मम्मी दूध निकाल रही है, दूध का समय हो चुका है। दीदी अगर भैंसा दूध पीना है तो नेहा के पास आ जाना, क्योंकि नेहा की मम्मी भैंसों का दूध निकालती है और नेहा भी भैंसों का दूध पीती है। गाइस यहाँ पर दीदी मम्मी अभी जाएगी, तरफ एक कागले का बच्चिया भी आ गया, वो कागली भी आ गई, तो हम यहाँ पर जाने नहीं दे दिए वो। यहाँ पर मम्मी बना रही है चाय और एक पे दूध गर्म कर रही है। तो गाइस आज है ना, नेहा ने आपको बताया नहीं, हम लोग है ना जिमने के लिए जाएंगे। नेहा का मनपसंद खाना है भुजिया लड्डू सब्जी पूरी। तो गाइस आज नेहा को जिमने में कितना मजा आता है आपको सुबह बताएगी, और आज नेहा मेरे साथ जिमने के लिए जाएगी और साथ में गर्मा गर्म खाने का मजा ही कुछ और होता है गाइस। तो ये यहाँ पर चुम्बक से खेल रहा है, तो पड़ी नहीं पड़ी, ये देख लो इधर, ये देखो उसके पास क्या क्या रखा, वो भाग गया। पापा ने गलती से कागली के बच्चियों को वहाँ पर उस खेत में, हाँ कौवे के बच्चे को उस खेत में फेंक दिया, तब तो देखो कितने कौवे इकट्ठे हो गए। एक तो ये रहा, देखो आपको गिन के बताती हूँ, एक और एक इस पेड़ पे बैठा है, पर दिख रहा नहीं ऐसे कई, आपको तो कौ कौ की आवाज़ आ रही होगी, देखना आप देखो कैसी कितनी सारी आवाज़ आ रही है, तो कोई चीड़ की आवाज़ नहीं आ रही है। खेत में से घास लाई है जो उनको झड़का झड़का के काट रही है अभी। यहाँ पर मौसी जी अब काटना स्टार्ट कर दिए, दीदी गाड़े दे रही है, और यहाँ का मसाला डाल रही है इस पराठे में, ये देखो कितने कागे बैठे हुए हैं, कान खा गए मैं देख, कितने कान खा गए यार, पत्थर की भी दे रहा था उनके। अरे पापा के लिए लहसुन छोल रही है क्योंकि मम्मी बनाएगी लहसुन की चटनी पापा के लिए, क्योंकि पापा का तो है शुगर,
पापा नहीं जाते, हम भी जाएंगे। नेहा जाएगी गाइस जिमने के लिए। उसको गर्मा गर्म पूरी सब्जी खाने का बहुत ज़्यादा शौक है। और मैं बनाऊंगी गाइस लहसुन की चटनी और दो चार रोटियाँ। हाँ ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। क्यों? क्योंकि आज तो जिमने के लिए जाना है। गाइस अभी आज तो गाइस जिमने जाएंगे, बैंक वाला मजा आएगा। और जब कुत्ते भोंकेंगे तो मौसी चप्पल निकालेगी एक दिन की जगह, एक दिन ही उस खेत में पटक फेंक दी थी मौसी कुत्ते भगाने के चक्कर में अपनी चप्पल में लेके आई थी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।